नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी स्विस रोल। ठंडी का सीजन आ गया है और उसमें हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी से स्विस रोल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे 90 ग्राम हमें वैनिला प्रीमिक्स लेना है और उसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून तेल, स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे 1/2 टीस्पून और डालेंगे जेल कलर, यहाँ पर मैंने सुपर रेड कलर लिया है, 3 से 4 ड्रॉप। और इसमें हम डालेंगे पानी, यहाँ पे पानी कम ज़्यादा लग सकता है, हर एक प्रीमिक्स का टेक्सचर अलग अलग रहता है। इसे अच्छे से हम मिला के लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे रिबिन जैसे गिर रहा है, मतलब ये परफेक्ट बना है। यहाँ पे मैंने 6x8 का टिन लिया है, उसको मैंने बटर लगा के लिया है और उसके ऊपर मैंने ये पार्चमेंट पेपर लगाया है। अभी ये मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम एक समान फैला के लेंगे और इसे हम टैप करके लेंगे। इसे आप गैस पे भी बेक कर सकते हो, प्री हीटेड माइक्रोवेव और ओटीजी में हम इसको बेक करेंगे 150 डिग्री पे, दोनों कॉइल ऑन टोस्ट मोड पे 20 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करके लेंगे। यहाँ पे शीट है वो अच्छे से बेक हो गई है और रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 से 2 टेबल स्पून व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पे हमें ज़्यादा भी व्हिपिंग क्रीम नहीं लगानी है, एकदम पतली सी लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके बीच में हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी को प्लेस करेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एकदम बड़ी भी मत लीजिएगा दोस्तों, मीडियम साइज़ की स्ट्रॉबेरी हम इसमें यूज़ करेंगे। बटर पेपर को हम ऐसे पकड़ के इसको हम ऐसे रोल करके लेंगे। ये देखिए एकदम टाइट रोल करना है हमें इसे। यहाँ पे स्विस रोल को हम जब रोल करते हैं तब ऐसे क्रैक आते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सेट होने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। अभी इसे हम टाइटली रोल करके लेंगे, बटर पेपर के साथ ही हमें इसे ऐसे रोल करके लेना है। अभी ये रोल को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, अच्छे से ये सेट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो रोल जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसके ऊपर हम नोज़ल वर्क करके लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी स्विस रोल बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।